हेलो गाइस, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर ओपन हो रहा है और यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है। मार्केट ऐसे में दोनों को तंग कर सकता है, बायर को भी सेलर को भी, क्योंकि जिस तरह से फ्राइडे को मोमेंटम किया है, इस तरह से देख ना तो ये बायर को बैठने दिया है सही से, ना तो सेलर को बैठने दिया, सब सही से। रिमाइंडर है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फोमो एंट्री नहीं लेना एलेक्सा है। स्टॉप काम अगला फ्राइडे को जिस तरह से मार्केट क्लोजिंग दिया है, वैसे में ना तो सेलर को ठीक से बैठने दिया यहाँ पे, ना तो बायर्स को। सपोज हम अगर हम यहाँ पे सेलर को जिस तरह से अगर हम यहाँ पे सेलर को पकड़े कि यहाँ पे सेलर होगा, क्या होगा, यहाँ से डाउनफॉल किया फिर आके इसका इतना यहाँ तक रिकवर कर दिया, वैसे में क्या होगा, यहाँ पे सेलर बैठा नहीं होगा, वो निकल के भाग गया हो। फिर यहाँ पे अगर हम बायर को पकड़े कि बायर होगा तो इस तरह से गया फिर इसको निकाल दिया, तो मार्केट यहाँ पे किसी को बैठने दिया नहीं है, तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे में हम थोड़ा वेट करेंगे ट्रेड बनाने के लिए, ऊपर से ये इसी लेवल के आसपास ही ओपन हो रहा है अंदर में, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है रेंज के अंदर, वो सबको परेशान करेगा बायर सेलर दोनों को। तो हम प्रॉपर वेट करेंगे, एक अच्छा सा सेटअप मिलेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सेलिंग साइड का प्लान कर रहा हूँ और आगे देखता हूँ कैंडलस्टिक जैसा बनेगा, प्राइस एक्शन जैसा बनेगा उस हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं, तो वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो एक सेलिंग साइड का पोजीशन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क लग रहा है क्योंकि ये एक रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ से मार्केट अगर डाउनफॉल गिरेगा तो मे भी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, और ऊपर से मार्केट थोड़ा साइडवेज दिख रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई भी साइड मार्केट इतना जल्दी मोमेंटम कर पाएगा, क्योंकि ये नीचे एक राउंड लेवल भी है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे सेलर भी एक्टिव होने लगेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। ओके गाइस, तो अभी तो हमारा लॉस 500 600 आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे एसएल लगा देते हैं, हम 40 पॉइंट के एसएल डाल देते हैं मार्केट में आराम से। 3112 3111 40 पॉइंट के एसएल लगा दिया, आराम से वेट करते हैं देखते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बार होता है कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता है, वैसे में हमारा लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एसएल लगा होगा तो ठीक होगा, मार्केट ज़्यादा लॉस नहीं दे पाएगा वैसे में, और जिस तरह से मार्केट कर रहा है दिख रहा लग रहा है कि मार्केट कहीं साइडवेज ना हो, साइडवेज हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। गाइस तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दिया है और हमारा लॉस देखे तो बढ़ के 700 800 के आसपास चल रहा है, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकता है मार्केट अब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो अब मार्केट को अगर डाउन साइड आना है तो यहाँ से डाउन साइड आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बायर तेजी से एंट्री लिया होगा, मार्केट को नीचे साइड आएगा तो एसएल मिल जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मार्केट को ज़्यादा एसएल मिलने वाला है नहीं, प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड आ जाए, मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं मार्केट यहाँ से साइड। ओके गाइस, तो मार्केट डाउन साइड तो आ रहा है और जिस तरह से मोमेंटम दे रहा है मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा कंटिन्यू सेलिंग साइड में आ पाएगा, तो यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। तो देखिए बात करते करते हमारा प्रॉफिट पूरा गायब हो गया, क्या एग्जिट करें, एग्जिट करने आए तब तक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक छोटा मोटा कैंडल बना रहा है ग्रीन तो हमारा प्रॉफिट पूरा गायब हो जा रहा है यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पोजीशन तो काटेंगे, क्योंकि मार्केट में दिख नहीं रहा है कि डाउन साइड ज़्यादा आ पाएगा, वैसे में जब तक ये रेड कैंडल बन रहा है तो बन रहा है, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे यहाँ से। कैंडल अच्छा बना रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ट्रेड एग्जिट कर दिया है, लॉस बुक किया 960 का, हमने पोजीशन कब बनाया था 951 में हमने पोजीशन बाय किया था और 1038 में हमने एग्जिट कर दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।